तो गाइस ये हमारी गाड़ी विदाउट कैरियर, और ये है हमारी गाड़ी कैरियर के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग। सो आज का हमारा एजेंडा है, हमें अपनी गाड़ी का काम करवाना है। हम कल जा रहे हैं एक ट्रिप के ऊपर, जैसा आपको मालूम होगा, और गाड़ी में मुझे कुछ अपना एक सामान रखने के लिए कैरियर लगवाना था। मेरे पास ऑलरेडी एक कैरियर है, आज हम जाएंगे उसको लगवाने के लिए, और हमें छोड़ना है आज बर्फी को उसके ससुराल बोले तो उसका क्रेच, क्योंकि हमारे साथ दो फैमिलीज़ हैं और बर्फी को हम अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। हम चाहते तो बहुत है उसे ले जाना, बट स्पेस थोड़ा कम है। कोई बात नहीं, बर्फी को अगली बार लेके जाएंगे। मौसम का देखें तो ट्रिप के लिए आई एम नॉट श्योर धुंध होगी या नहीं होगी, बट अभी तो फ़िलहाल थोड़ी बहुत धुंध है। लेट्स सी कैसा जाता अपना ट्रिप। तो फ्रेंड ये देखिए बर्फी यहाँ पे पापा के साथ लेटी हुई है इतने आराम से। पापा भी लेटे हुए हैं धूप से इतने दोनों। ये ऐसी देखो चादर खोल रही है अंदर उसके पापा को, पापा के साथ लेट के। इसको जगह चाहिए, पापा ने इसे बिल्कुल जगह नहीं दे रखी। जगह नहीं चाहिए इसको, पत्थर चाहिए। अच्छा पत्थर कहाँ है आपके पास है क्या? मेरे कमर के थोड़ा सा नीचे है। हाँ? इसको दिख रहा है लेकिन इसका हाथ नहीं पहुंच रहा। तो ये पापा से रिक्वेस्ट कर रही है। शिपिंग ये वाला। ओह वैसे को ये पत्थर बहुत पसंद है, इसका फेवरेट है। तो हेलो गाइस, अब ट्रिप की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और पापा हमारा कैरियर ले आए हैं। तो ये कैरियर हमने गोवा की ट्रिप पे भी यूज़ किया होगा, आपने देखा ही होगा उस टाइम हमारा चैनल वीडियो बना था। तो फिर अभी हम इसे कहाँ ले जा रहे हैं पापा? इसको गाड़ी पे फिट करवाने के लिए अपनी अगली ट्रिप के लिए। हाँ तो गाइस अब इसे अंदर डाल रहे हैं, पर पापा को भी थोड़ी मुश्किल हो रही है, बाहर निकाल रहे हैं फिर से अंदर डाल रहे हैं, उन्हें मुश्किल हो रही है क्योंकि बैठने की भी जगह ही हो रही। तो पापा कुश्ती खेलते हुए कैरियर के साथ गए हैं बाहर। यहाँ पे अभी हो रहा है बहुत शोर, अब देखते हैं ये लोग कैसे लगाते हैं। 200 ले लेना, 200 उनको बोल दो, उतारने के नहीं दूंगा मैं। हाँ जी गुरु जी, अब उतारने के लिए आऊंगा अगले इतवार को, उसके अंदर मत लेना। तो गाइस इस साइड से तो कैरियर लग चुका है काइंड ऑफ, इस साइड पे देखते क्या हाल हो रहा है। मुझे बार बार हाथ चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि हाथ थक रहा है मेरा। क्या कर रहे हो बेटा? कर रहे हैं हैं? अब भी आओगे? लगता सब्सक्राइब कर लो YouTube देखो। कर लो। तो गाइस सारे लोग बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाली ट्रिप में कोई प्रॉब्लम होगी कैरियर के साथ, तो यहाँ पे आइए A1 कार सीट कवर एक्सेसरीज, यहाँ पे आइए और जो भी काम हो अपनी गाड़ी से करवाइए, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। भैया नाम? शाकिब। आपका? विक्टोरी। यहाँ पे गाइस सारे लोग अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली आने वाली ट्रिप में। तो फिर ये बिजनेस आपने ही खोला था? ये नहीं खोला है। तो फिर अब आपने बिजनेस कब शुरू किया था? काफी टाइम हो गया, वो उसके बारे में वो भैया बताएंगे। तो फिर होशियार है बेटा, होशियार है। ये दुकान है शॉप नंबर 1 राधागढ़ स्टेशन, ये गोल्डन व्यू रिजॉर्ट गाजियाबाद में है, और 9999609295। इसके नीचे भी एक नंबर है 9654599442। तो फिर इसका नाम मैं वापस से बोलता हूँ A1 कार सीट
कवर एक्सेसरी और यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है सिवाय कार सीट्स के। तो फिर जैसा कि आपने देखा, अब ये है हमारी गाड़ी विद अ कैरियर। तो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी में लग चुका है अब कैरियर और हम लोग जा रहे हैं अभी विशाल अग्रज के स्वेटर लेने की मम्मी को। एंड मोमेंट पे याद आया कि इसके पास कपड़े ही नहीं पड़े हैं, हमारी पैकिंग अभी आधी भी नहीं हुई है। और मेरे पापा हाँ, क्या ख्याल है ट्रिप के बारे में? हमारी माँ को हमेशा लास्ट मोमेंट पे याद आता है, पहले कोई ध्यान नहीं रखेगी। चार दिन पांच दिन पहले से पता था कि हमें जाना है, बट जब से बोल रही थी उसे स्वेटर लिया, अब लास्ट मोमेंट के ऊपर बर्डन आ गया है। पैकिंग करो, स्वेटर लेकर आओ, बर्फी को उसके ससुराल छोड़ने जाओ, बट बैड, वेरी बैड मामा। गीता, यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एट ऑल। नहीं नहीं, ऑर्गेनाइज है भाई, सब कुछ देख लो। आप पंक्चुअल भी नहीं हो। गीता, तू पैकिंग करी है? तूने कपड़े फैला रखे हैं? फैला फैला की पैकिंग होती है, पता लगता है क्या क्या रखा हुआ है। जब फैलाऊंगी बर्फी व्यू को हटाओ, किसी की बनियान यहाँ, ये देखो मामा, सारा तूने रूम देखो, कपड़े ही कपड़े कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। जब हमारे घर में वैसे हमारे पास कहने में पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, और अभी देखो इतने सारे कपड़े, हर जगह कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ भी कपड़े, वहाँ भी कपड़े, सारी जगह कपड़े कपड़े, पर आप कहते हो कपड़े नहीं है। ये गाना हम दोनों ने मिलकर बनाया था, है ना? हाँ, तुम अकेले गा रही है, तुम सारे दोबारा से शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ भी कपड़े, वहाँ भी कपड़े, सारी जगह कपड़े कपड़े, और तुम कहते हो कपड़े नहीं है। सो हम निकल चुके हैं बर्फी को छोड़ने उसके ससुराल। ससुराल बोले तो बर्फी का क्रैच, जैसे कि सब जानते हैं कल हमारी ट्रिप शुरू हो रही है। बहुत बुरा लग रहा है बर्फी को ले जाने में। हम हमेशा बर्फी को अपने साथ ले जाते हैं चाहे कहीं पे भी जा रहे हो, लेकिन इस बार ही हमारी गाड़ी में थोड़ा लोग ज्यादा हैं, ह्यूमन, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा फ्रॉम वेरी हैवी हार्ट। बट कोई बात नहीं बर्फी, तो मैं ट्रीट दूंगा मैं आते ही। बर्फी बर्फी तो मुंह छुपा दिया अपना। बर्फू कहाँ जा रहे? अरे ये ऊपर भी तो नहीं देख रही। फ्रेंड्स, हम बज रहे हैं 10:20 और हमने बर्फी छोड़ दिया है। मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी मतलब उसके बिना रहे नहीं है हम लोग, तो अच्छा नहीं लग रहा है। और घर काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है, घर काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। अगर वो अभी आती तो फिर हमारे पास आके बैठ जाती या फिर कोने में चली जाती। तुम्हें कैसा लग रहा है अग्रज, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? हेलो, और बोलते रहिए जय भवानी। बर्फी बर्फी क्या हुआ? बर्फी उदास हो गई।